एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट व्हाट एवर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने बताना है ये वाली क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने मेथड अब तक सीखा है जैसे इसे डिवाइड कर देना, तो ये मेथड हमने यूज़ नहीं करना। हमने यूज़ करना है जो मेथड आपको मैं अभी बताऊंगा। क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना है। डिनोमिनेटर एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 3125 के निकालेंगे हम फैक्टर्स, 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 625, फिर 5 से डिवाइड होगा 125, फिर 5 से डिवाइड होगा फिर होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा फिर होगा 5, ये 5 से डिवाइड होगा हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे क्या है 5 और 5 की पावर 5। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे जिसके डिनोमिनेटर में ये फॉर्म बनेगी, जैसे 5m, 2m और 2n इंटू 5m, ये तीनों में से कोई भी फॉर्म बनेगी तो जो फिगर हमारे पास होगी, जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो होगी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं बनेगी तो वो इक्वेशन टर्मिनेटिंग इक्वेशन नहीं होगी। यही है इसका सिंपल सा फंडा। अब डिनोमिनेटर में किस फॉर्म में है, 5m की फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे कैसे, दी डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो डिनोमिनेटर को करेंगे हम एक्सपेंड, 8, 2, 4, 4 होगा 2 से डिवाइड, 2 होगा 2 से ही, तो नीचे क्या आ गया इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3, 1, 2, 3, तो ये किस फॉर्म में है डिनोमिनेटर, 2 की पावर m की फॉर्म में, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। दी वह जैसे हमने पहले लिखा था वैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन 1 पार्ट थर्ड, तो डेसिमल जो है उसका हम करेंगे एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन, 5 से होगा तो क्या आ जाएगा 91, 91 होगा किससे 7 से तो आ जाएगा 13, 13 किससे होगा 13 से होगा, तो इसके जो फैक्टर आ गए वो क्या उनसे है 5 × 7 × 13। कोई भी फैक्टर किसी भी फॉर्म में नहीं है टर्मिनेटिंग की, ये तीन फॉर्म है ना 2n × 5m, तो किसी भी फॉर्म में नहीं है तो ये क्या टर्मिनेटिंग नहीं है। पर इसे लिखना कैसे है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, हमने जैसे पहले पार्ट सॉल्व किए हैं वैसे इसे करेंगे। 1600 का हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन, 2, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 × 1, तो 2 कितने टाइम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 कितने टाइम है 2 टाइम, तो लिखेंगे कैसे 15, 2 × 5, 5 × 2, तो ये किस फॉर्म में है 2n
इंटू 5m, तो ये क्या है नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर है। दी डिनोमिनेटर इज ऑफ दी फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, सो 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। डिनोमिनेटर के हम वैसे ही फैक्टर निकालेंगे 7, 49, 7, 7, 49, 1, तो क्या आ गया 29/7³। तो ये किस फॉर्म में है, 7³ की फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर किस फॉर्म में, अगर 2 की n, 5 की n, m लगा लो, n लगा लो, एज यू विश, 2 की पावर n, 5 की पावर m में होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2m 5m एंड 2n इंटू 5m किसी फॉर्म में नहीं है। देयरफॉर सो 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो ये तो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, 2 की n 5 की m, तो सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। The denominator is of the form of 2n into 5m, hence 23 into 52 is terminating number. क्वेश्चन नंबर 7, 120/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, इसमें क्या है, ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके साथ 7 एक्स्ट्रा है। तो इसे लिखना कैसे है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m एंड ऑल्सो has 7 as it is factor, ये तो है but इसके साथ 7 क्या है, extra factor है, तो इसलिए ये terminating number नहीं है। ये कौन सा number है, non terminating। then 129/2 की power 2, 5 की power 7, 7 की power 5 is non terminating number। part 8, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट देना है। 3 के टेबल में जा रहा है तो क्या बचा, 3/5, ये किस फॉर्म में है, 5m, m कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी, तो इस किस फॉर्म में है, 5m की फॉर्म में है। तो इसे लिखेंगे कैसे, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5m, so it is terminating number। जैसे हमने 8th पार्ट किया था वैसे ही हम करेंगे अब ये पार्ट। इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, 7 × 5, 10 × 5, 7/10, 10 के फैक्टर क्या है, 7, 2 × 5, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5n, n इक्वल टू m भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, तो 1 इस फॉर्म में है, तो सो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। 77/210, 11 × 7, 30 × 7, 7 से 7 हो जाएगा कट, तो बचेगा क्या, 11/30, 30 के फैक्टर क्या हैं, 3, 3, 11/2 × 5 × 3, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2n × 5n फॉर्म में है, एंड
also has 3 as it is factor. 3 क्या है? एक extra factor है. तो so this is not a terminating number. Then 770210 is non-terminating number.